वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। साबुदाना जो है व्रत के वक्त बहुत ज्यादा खाया जाता है, बट आप रेगुलर बेस पे भी इसे खा सकते हैं। हाई डाइट्री फाइबर्स होने की वजह से बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आलू को बॉईल करते हैं और छील लेते हैं। खिले खिले साबुदाने बनाने का राज ये है कि आप रात भर इसे भिंगो कर रखें, सुबह छान कर धो लें और फिर एक घंटे बाद उसे यूज करें। तो बॉइल्ड आलू में वही भिंगाया हुआ साबुदाना हम ऐड करेंगे, फिर उसमें डालेंगे जीरा। मिक्सर जार में फिर ले लेना है हमें पीनट और इसे दरदरा हमें पीस लेना है। अब इसे साबुदाने में हमें ऐड कर देना है, फिर बारीक कटा हुआ मिर्च डाल देना है, स्वाद अनुसार नमक और फिर हमें इसे अच्छे से मैश करना है। अब मिर्च जो है अब आपको जितना तीखा अच्छा लगता है आप उतना तीखा डाल सकते हैं, और चाहे तो थोड़ा सा लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो मैशर तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन इसके कटलेट्स बनाने हैं तो हाथ तो डालना ही पड़ेगा, तो आई प्रेफर कि हाथ से ही इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। जैसे ही ये बिल्कुल यूनिफॉर्म अच्छे से सब मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए, तो इसके हमें कटलेट्स बना लेने हैं। हैंडफुल ऑफ बॉल लेना है और इसे चपटा चपटा करके हमें रख लेना है। साबुदाने के ना वैसे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कमाल के इसके रिसर्चर्स बताते हैं कि बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है और ब्लड शुगर कंट्रोल भी करके रखता है। तो खैर, इस तरह से बड़े बड़े आपको गोले बना लेने और बस इसे अब करना है फ्राई। आप इसे एयर फ्रायर में फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, या जिस तरह मैं कर रही हूँ शैलो फ्राई वैसे कर सकते हैं। इस तरह से क्रिस्प फ्राई करेंगी तो अंदर ये सॉफ्ट रहेगा, बाहर से क्रिस्पी रहेगा और बहुत ही लजीज लगता है खाने में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने व्यूज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।